हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम छो, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यशपाल, और एक बार फिर से आप लोग मेरे साथ हैं आपके अपने चैनल बाबा गुड पे। और अभी मैं हूं थाईलैंड की ब्यूटीफुल सिटी पत्या के अपने एक और फेवरेट रेस्टोरेंट पंच तारा के बाहर, और यहां पर बैठकर आज शेयर करनी है आपके साथ कुछ ऐसी चीजें जिसमें से कुछ चीजों में आपको रखनी है सावधानी और कुछ चीजों के लिए आपको हो जाना है तैयार, क्योंकि एक और ऐसी चीज जिसका हम लोग काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और आई होप कि यार कहीं ना कहीं जब आप लोग इस चीज को सुनेंगे तो यार डेफिनेटली आप लोग बैग पैक करने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो लोग भी जो बड़े शहरों में रह रहे हैं और वो लोग भी जो अपने छोटे शहरों से एक बार वापिस से थाईलैंड डायरेक्ट ट्रैवल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट की, क्योंकि यार इंडिया से अगर आप लोग बात करें तो एयर बबल ऑलरेडी यहाँ पर साइन हो चुका है, और काफ़ी सारी जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर हामी भी भर दी थी, यहाँ पर वो लोग एग्री भी हो गए थे टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती होंगी एयरलाइंस की, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन लगभग 12 एयरलाइंस कंपनी यहाँ पर ऐसी थी जो एयर बबल के अंदर अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर तैयार हो चुकी थी, और काफ़ी सारी जो फ्लाइट्स हैं उनका शेड्यूल भी यहाँ पर आ गया था। लेकिन अगर आप लोग आज की बात करें तो आज यहाँ पर इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने ऐसा बोल दिया है कि आने वाली 27 तारीख से लाइक सभी देशों के लिए जो इंडिया की फ्लाइट्स हैं वो हर जगह से एक बार वापस से नॉर्मल फ्लाई करेंगी जिस तरह से पहले किया करती थी। तो अब आप बात करें तो एयर बबल की भी शायद अपने को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको लगभग हर शहर से उसी तरह फ्लाइट मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी जिस तरह से आपको कोविड के इस पीरियड से पहले मिला करती थी। जो एक ये बैन था यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट के ऊपर, कि इंटरनेशनल फ्लाइट सिर्फ उन्हीं देशों के साथ में यहाँ पर वर्क कर रही थी जिन देशों के साथ में या तो एयर बबल यहाँ पर साइन हो रखा है, या फिर लाइक आप लोग कह सकते हैं जिस तरह से पहले यहाँ पर वंदे भारत फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी सिर्फ यहाँ से अपने उन लोगों को ले जाने के लिए जो यहाँ से जाना चाहते थे वापस इंडिया, और उन लोगों को इंडिया से यहाँ पर लाने के लिए जिनकी यहाँ पर फैमिलीज थी, जिनके यहाँ पर काम थे। तो अब इस आप लोग कह सकते हैं इस डिसीजन के बाद अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर किसी भी लाइक आप लोग कह सकते हैं एयर बबल की वेट करने की, लाइक एयर बबल तो ऑलरेडी साइन हो चुका है, लाइक किसी और चीज़ की जरूरत नहीं है, बिकॉज नॉर्मल फ्लाइट यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है 27 मार्च से। तो यार होपफुली कि यार अभी भी मेरे भाई काफ़ी सारे बोल रहे थे कि यार हमारे शहर से अभी फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, अभी भी एयर बबल में जो फ्लाइट्स हैं वो बड़े शहरों से ही ऑपरेट हो रही है, और सिर्फ जो लिस्ट आई है जो भी उन्होंने अपना शेड्यूल जो अनाउंस किया है उस शेड्यूल के अंदर भी यहाँ पर सिर्फ बड़े शहर उसके अंदर शामिल है, लेकिन छोटे जो शहर थे वो अभी इस लिस्ट के अंदर से बाहर थे। लेकिन 27 मार्च के बाद आप लोग यकीन मानिए कि जितने भी शहर है, जितने भी शहर से पहले फ्लाइटें चला करती थी जितनी भी कंट्रीज के लिए, तो एक बार फिर से आपको उसी तरह से सारी फ्लाइटें यहाँ पर मिलने लगेगी। तो कहीं ना कहीं यार एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसे जैसे फ्लाइटों के ऑप्शन बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे अलग अलग शहरों से जो अगर फ्लाइटें आपके पास ऑप्शन बढ़ते जाएंगे, तो जो आपका आप लोग कह सकते हैं जो फेयर है, जो टिकट का जो खर्चा है, वो अल्टीमेटली यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फिलहाल अगर आप लोग बात करें तो मेरे बहुत सारे भाइयों को अभी पहले अपने शहरों से दूसरे शहरों में जाना पड़ता है यहाँ पर फ्लाइट लेने के लिए, अगर वो लोग थाईलैंड आना चाहते हैं। लेकिन आई थिंक 27 तारीख के बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो यार मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाली 27 तारीख के बाद एक बार वापस से जिस तरह से पहले मेरे भाई यहाँ पर आया करते थे नॉर्मल बिना किसी रोक टोक के, और इजीली लाइक एक कम पैसे में यहाँ पर आराम से इंजॉय करके जाते थे, तो शायद वो जो सिलसिला एक बार वापस से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी पिछले ब्लॉग्स में बताया कि यार जो अभी बाकी की बची हुई रिस्ट्रिक्शन है उसको भी यहाँ पर हटाने के लिए बहुत जोरदार कोशिश यहाँ पर हो रही है। तो हो सकता है कि यार आने वाली 27 तारीख इस एक अच्छी खबर के साथ साथ अपने साथ कुछ और अच्छी खबरें भी लेती हुई आए आपके लिए। तो यार क्रॉस योर फिंगर्स और वेट कीजिए 27 तारीख को, जब एक बार वापस से इंडिया से नॉर्मल फ्लाइट स्टार्ट होंगी। तो ये हो गई यहाँ पर फ्लाइट्स की बात, और आपसे मैं बात करने जा रहा हूँ उस चीज़ की जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अपने ही फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ, अपने कुछ भाइयों के साथ, और ये आप यकीन मानिए ये जो मेरे भाई हैं अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं इंडिया के अंदर, लेकिन इन सबके पास में एक सेम मेल आया था जिस मेल के अंदर ऐसा लिखा गया था कि आपका जो थाईलैंड पास आप लेना चाहते हैं उसके लिए आपको कुछ और डिटेल देनी है, यू हैव टू वेरीफाई योर फुल नेम
आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो पासपोर्ट है उसके लास्ट चार डिजिट लाइक जो पासपोर्ट नंबर है। तो यार आपको मैं एक बार वापस से क्लियर कर दूं, अगर आप लोग थाईलैंड पास भी अप्लाई करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले ऐसा लिखा हुआ आता है कि यार प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सावधानी रखिए, क्योंकि वो कभी भी इस तरह का मेल आपको नहीं भेजेंगे, वो कभी भी आपसे इस तरह की डिटेल नहीं मांगेंगे, क्योंकि जिस टाइम पर आप लोग थाईलैंड पास अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ऑलरेडी आपका पासपोर्ट का पूरा डिटेल देते हैं, आपका इंश्योरेंस का कॉपी देते हैं, जिसके ऊपर लाइक मोस्ट ऑफ द हर डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम और आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जाती है। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी के पास भी इस तरह का मेल आता है कि आपको हम लोग एक कोड देंगे और आप हमको ये सब डिटेल दीजिए, आपका नाम दीजिए, आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आपका पासपोर्ट नंबर दीजिए, तो प्लीज़ ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी के साथ इस तरह से शेयर ना करें। हो सकता है कि यार ये कोई स्कैम हो और आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। तो बी केयरफुल गाइज, आप कभी भी इस तरह के अगर आपके पास में कोई भी मेल आता है तो उसकी तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिए, उसको उस मेल को पढ़कर पैनिक मत होइए कि यार नहीं मेरे को यहाँ पर नाम देना पड़ेगा, पासपोर्ट नंबर देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा थाईलैंड पास नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइज, इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपसे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी ही फैमिली के कुछ भाइयों के साथ ये चीज़ हो चुकी है। और अगर वो मेरे भाई, प्लीज़ आप लोग अगर ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके अपने बाकी के भाइयों के साथ आपका जो एक्सपीरियंस रहा, आपको जो मेल आया उसके बारे में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसके साथ साथ अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ आने वाले अप्रैल का महीना जो यहाँ पर होता है, एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल थाईलैंड का न्यू ईयर जिसको यहाँ पर बोला जाता है सोंगक्रांत। तो सोंगक्रांत को लेकर मेरे काफ़ी सारे भाई मेरे से काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल कि सोंगक्रांत की डेट क्या होती है यहाँ पर थाईलैंड के अंदर। तो यार सोंगक्रांत यहाँ पर 13 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक सेलिब्रेट किया जाता है। और सोंगक्रांत एक ऐसा फेस्टिवल है जो डेट्स के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग शहरों में एक तरह से ट्रैवल करता है। जैसे बैंकॉक के जो डेट्स होते हैं वो होते हैं 13 और 14 अप्रैल, उसी तरह पत्या के जो डेट्स होते हैं वो होते हैं 18 और 19 अप्रैल। तो ये अलग अलग डेट्स पर ये जो फेस्टिवल है ये अलग अलग शहरों में मूव करता है, लेकिन 13 से लेकर 19 अप्रैल तक अगर आप लोग बात करें तो पूरे के पूरे थाईलैंड में एक तरह से ये फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी फेस्टिवल को लेकर यहाँ पर जो मीटिंग्स चल रही है, फिलहाल अभी उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया है कि कन्फर्म ये फेस्टिवल इस साल में होगा या नहीं होगा। तो इसको लेके यार काफ़ी सारी मीटिंग्स चल रही हैं। और आज यहाँ पर जो अपडेट आया है वो अपडेट ये आया है कि आने वाले फ्राइडे को मतलब शुक्रवार को ये कंफर्मेशन आएगी कि इस साल जो सोंगक्रांत है अपने को देखने को मिलेगा या देखने को नहीं मिलेगा। तो होप फॉर द बेस्ट यार, उम्मीद तो मैं कभी भी नहीं छोड़ता और आप लोग भी इस उम्मीद को मत छोड़िएगा। होपफुली इस बार मैं और मेरे काफ़ी सारे भाई जो यहाँ पर अप्रैल को आएंगे अपने साथ में मिलकर यहाँ पर सोंगक्रांत सेलिब्रेट करेंगे, सोंगक्रांत इंजॉय करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, आज पड़ोस का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डटे रहिए, भूलेगा नहीं। मेरा नाम है हूँ सुनील यशपाल, आपका भाई, आपका दोस्त, और ये है आपका अपना चैनल बाबा वुड। सी या।